जैसे कोई शामत आई है। अरे इंसान की शक्ल में ये जीती आई है, पर वापस अपने प्लेनेट जा भी ना पाई है। मेरे पापा को ऑफिस के जगा के चल भाती है, मेरी मम्मी तो गाजर की जगह लकड़ा खाती है, मेरे भाई तो कच्चा पत्ता ही मैजिक आता है, म्यूजिक सुन के मेरे कानों से धुआं सा आता है। अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म, मेरे टप्पू अंकल लम है बस मैंगो खाते हैं, हर पत्तम के आखिर रम वो अम लगाते हैं। अरे कैसी फैमिली है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। दीपक, तुम ये अंडे देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये जोल्टार के अंडे हैं। पहले छह थे, फिर अंडों ने अंडे दिए इसलिए अब बारह हो गए। पापा अंडा, बेबी अंडा। अंडे कहीं के भी हो दीपक, की फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है प्रिया। अरे कहाँ इस धरती की कमजोर मुर्गियाँ और कहाँ जोल्टार के वो किंग साइज मुर्गे। अरे हमारे मुर्गों के पास इन मुर्गियों को अगर रख दो तो ऐसा लगे कि ट्रक के बगल में साइकिल खड़ी है साइकिल। तुम्हें तो बस जोल्टार को याद करने का बहाना चाहिए। दीपक नाश्ता बन गया है? नहीं नाश्ता नहीं बना, मैं क्यों बनाऊं? अंडे अपने आप जाकर कढ़ाई में कूद पड़ेंगे और खुद फूट फूट कर अपना ऑमलेट बनाएंगे। शायद आप चीकू, और प्रिया तुम भूल रही हो, तुमने वादा किया था कि आज से घर में खाना तुम बनाओगी। हाँ, इस बार जेन्युइन प्रॉमिस, नेक्स्ट वीक से पक्का पक्का पक्का। प्रिया फिर झूठ, यहाँ धरती पर झूठ बोलने पर कौवा काटता है, और यहाँ इस धरती पर बोलने वाले प्लांट्स को गाय खा जाती है। प्रिया पछताओगी तुम, पछताओगी। अरे 12 साल से हम लोग यहाँ पर हैं, पर तुम यहाँ की औरतों की तरह खाना बनाना तक नहीं सीखी। अरे क्यों भूल जाती हो, ये जोल्टार नहीं है जहाँ पर औरतें काम करने जाती हैं और मर्द घर पर बैठकर खाना बनाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगी ना तब पछताओगी, याद रखना। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, गुड बाय। बाय। जब इतना क्यूट पति साथ है तो मैं क्यों पछताऊंगी। लगता है किसी ने मुझे कॉल किया। हेलो मामा, जल्दी से स्कूल आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक छोटी सी मोटी प्रॉब्लम, ये टेंगा बाज है, मैं उसका पूरा टिफिन खा गया, उसने मुझे भूखा भी मारा। अरे मैं इसकी मम्मी कैटरीना। बेटा तुम लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वेरी बैड। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगी। देखो बच्चों, झगड़ा करना बहुत बुरी बात होती है, ओके? हम लोग शांति से मामला हैंडल करेंगे, ओके मैंगो? And it's not mango, tango. ओके टैंगो। बेटा ये तुम्हारा टिफिन क्यों चुराएगा? क्योंकि मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट कुक है और इनसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। शांति से मामला हैंडल कर सकते हैं क्यों सनी? टू हेल विद शांति,
आप होगी कर, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम मुझसे बेहतर खाना बना। कम ऑन, आगे तुम्हें चैलेंज। नहीं मम्मी, चैलेंज चलो। व्हाट चैलेंज? चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तुम भी मेरा कमाल देखना। ठीक है, तो आज ही हम एक कुकरी कंपटीशन रखते हैं मेरे घर पे। ओके, रेड रीना। व्हाट? इट्स नॉट रेड रीना, इट्स कैट रीना। यस। कैट हो या रेड, आई डोंट केयर। मम्मा, आपने जरा भी नहीं सोचा, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया ही क्यों? आपको तो खाना बनाने का ए भी नहीं आता। वैसे उसने मुझे छोले भटूरे बनाने का चैलेंज दिया ना। दीपक ऑफिस से आते ही होंगे और मैं उनसे 2 मिनट में छोले भटूरे बनाने की रेसिपी पूछ लूंगी। एनीवेज मम्मा, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, आप पहले क्या सुनना पसंद करेंगी? गुड न्यूज, बैड न्यूज? बैड न्यूज ये है कि आप स्कूल जाते वक्त अपना ये मैजिकल एप्पल यही छोड़ गई थी और पीछे से इस पे पापा का फोन आया था और पापा ने ये कहा कि पापा के ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस है और वो आते आते लेट हो जाएंगे। ओह नो, तो फिर गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज तुम्हारे लिए है, अगर मम्मा ये चैलेंज हार गई तो तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते की तो छुट्टी मिल ही जाएगी, वो भी मुफ्त में। मैं टैंगो तुम मेरा रेपुटेशन का बैंजो बजा देगा। पर मम्मा, अब हम क्या करें? एक मिनट, पापा कॉन्फ्रेंस में तो गए पहाड़ों पर तो नहीं, जहाँ पर हम लोगों के एप्पल्स का नेटवर्क नहीं आता। तो मैं पापा को ऑफिस में फोन करके उनसे 2 मिनट में छोले भटूरे की रेसिपी पूछ लूंगी। सुंदर की लहरें क्यों बनाई हैं इन लोगों ने? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। आज की कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है इस कंपनी का बिगड़ता हुआ डिसिप्लिन। दीपक, ऑफिस के दौरान सारे जेंट्स क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं और सारी लेडीज अपने बच्चों के मोजों से लेकर अपने पतियों की टोपी बनाने तक सारे काम करती हैं। लंच ब्रेक होने के पहले ही सब लोग अपना डब्बा खोलकर बैठ जाते हैं। मेरे हिसाब से इस ऑफिस में एक ही डिसिप्लिन्ड आदमी है, वो है मिस्टर दीपक मल्होत्रा। मिस्टर पाठक, मिस्टर दीपक कहाँ है? दीपक, मैंने कुकी का एक चैलेंज किया, छोले भटूरे कैसे बनाते हैं? हेलो, मिस्टर दीपक, आप नीचे क्या कर रहे हैं? सर, वो आप मेरे बॉस है ना सर, तो आपके सामने मैं कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ, इसलिए यहाँ बैठकर मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ सर। That's a weird explanation. आप में क्या है? छोले भटूरे। हाँ, छोले भटूरे, जल्दी बताओ ना प्लीज। नहीं मतलब वो हाथ में उंगलियां हैं सर, फिंगर्स। दीपक, शो इट टू मी, शो। कट किया लगता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब हम लोग छोले भटूरे बनाने की रेसिपी कहाँ से सीखेंगे? कंप्यूटर में सारी रेसिपीज होती है, मैं अभी ले आती हूँ। अगरम बगरम तेरा छोले भटूरे की रेसिपी का प्रिंट आदम। टाइम बहुत कम है ना, इसलिए। थैंक यू सो मच मम्मी, मैं अभी रेसिपी आपके दिमाग में ट्रांसफर कर देती हूँ। साइंटिस्ट खोल दे, अगरम बगरम तिगरम कर दे इसे ट्रांसफर। ऐसे छोले भटूरे बनाऊंगी कि कैटरीना कैटवॉक करते हुए पार्क में नजर आएगी। कुछ जलने की बदबू आ रही है। हाँ, तुमने मेरी इज्जत जो जल रही है। छोली भटूरी,
रोहन मम्मा के बनाए हुए यम्मी यम्मी छोले भटूरे पहले टेस्ट करेगा। सनी, इज्जत तुम्हारी, ये सारा चैलेंज तुम्हारी वजह से, तो ये टॉर्चर मुझे क्यों? I mean, उसे ये खाने का प्रिविलेज मुझे क्यों? सनी, तुम ही खाओगे इसे। सनी, खाओ खाओ, मैं तुम्हारे लिए छह हॉस्पिटल में एसी का रूम बुक कर दिया। पहली बार तुम्हारी मम्मी ने कुछ बनाया है, बिना टेंशन खाओ। हाँ हाँ खा लेना, तू इतना टेंशन क्यों ले रहे? तू तो खाते ही बेहोश हो जाएगा। टेंशन तो तेरे ट्रीटमेंट करने वाले लेंगे। बड़े नटखट है ये, उनकी तो मैं भी टीम डाउन करता हूँ। सनी, इधर उधर क्या देख रहा है? खाना। यम्मी 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 यम्मी। अपनी मात अपनी मात अपनी मात। यस। पानी मैं दरअसल इसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, हाथ से बाल्टी छूट गई। लेकिन सनी के अंदर से धुआं क्यों निकल रहा था? वो एक्चुअली मम्मी ने आज खाना पकाया था और सनी ने वो टेस्ट कर लिया। खाना? तुमने? बिंगारू! ये सनी तुम्हारा अपना किड है, कोई गिनी पिग नहीं कि इसके ऊपर तुम करती रहो खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट। छोटे से बच्चे का बजा दिया बैंडम। मम्मी एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रही थी, मम्मी तो अपना मिशन पूरा कर रही थी। मिशन? आप होगी क्रांति, मैं तुम्हें चैलेंज कि तुम मुझसे बेहतर खाना बना। आगे अरे लेकिन मिशन पूरा करने में बच्चे पर क्यों फोड़ा बॉम्ब? मैं हूँ ना। सो स्वीट, इसका मतलब तुम मेरे बनाए हुए छोले भटूरे नहीं, मैं तुम्हारे बनाए हुए छोले भटूरे नहीं खाऊंगा। मेरे पास दूसरा आइडिया है। कंपटीशन का जज कौन है? यहाँ का फेमस शेफ नूडल सिंह है। तो अब देखो टप्पू का कमालम। तुम्हें आम क्यों नहीं है? क्या मतलब मैं कौन बोल रहा हूँ? अरे मैं नूडल सिंह बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पहचाना? फिर बाकी तो पागल छागल हो गया क्या? तेरे को पता आज हमारे होटल में कितने बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, उनको मैं करेले का जूस पिलाऊंगा क्या? अभी तुम लोग देखो इसमें टप्पू के सुपर आइडिया का लाइव टेलीकास्ट। अगड़म बगड़म तिगड़म, कर दो मेरा नूडल सिंह के यहाँ ट्रांसफर। किसी भी हालत में आप चाहिए। गुब्बारा कहाँ से आ गया? बोलता भी है? अरे नूडल सिंह जी, यहाँ ये आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। है कौन तुझे अंदर आने की परमिशन किसने दी? अरे काम की बात सुनिए सुनिए, मेरा ऑफरम। ऑफरम? अरे यार तू कैसी बात करता है, समझ नहीं आ रहा कि बात कर रहा है या कब का सुना रहा है। आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, आज आप कॉम्पिटिशन में जज बन के जा रहे हैं ना? जा रहे हैं ना? वहाँ अगर आपने प्रिया को जिता दिया तो मैं आपकी पत्नी के लिए दूंगा एक बढ़िया सा नेकलेस। टप्पू अंकल मरवाएंगे, आई एम डेड श्योर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। नहीं समझो? एक मिनट रुको, दो मिनट। आपकी पत्नी खुश हो जाएगी डायमंड का नेकलेस देखकर। मैं नहीं दूंगा। नहीं मुझे चाहिए। नहीं आप मुझे दे। टाइम फॉर एक्शन। अगड़म बगड़म तिगड़म, टप्पू अंकल के पास ट्रांसफर। छोड़िए, आप इस पागल के साथ क्यों लड़ रहे हैं? पागल? हाँ, अभी पागल खाने से भागे। ये इनकी लैंग्वेज नहीं सुनी आपने? सोनिया, तुम मुझे पागलम
चलो यहाँ से। अंकल सो सॉरी, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया होगा ना। सॉरी बाय बाय। चलो एक मिनट मेरे अमर शाम को ऑफरम यादम प्रिया जीतम। चलो लगता है ककड़ी और कद्दू ने मिल कुछ शेंडी लगाई है, कुछ तो है गड़बड़। चलो कोई नहीं, शाम को देखते हैं कंपटीशन में क्या होगा साड़ा फैसला। मैंने झटका दिया था ना, एक मैं भी दूंगा। फ्रेंड्स प्रोग्राम थोड़ा चेंज है, छोले भटूरे बनाने का नहीं, हाक का नूडल बनाने का कंपटीशन करेंगे। नूडल सिंह जी ये किया आप कैसे कर सकते हैं? क्यों अच्छा कुक तो वही होता है ना जो शॉर्ट नोटिस पे कुछ बना डाले। नूडल सिंह अपने साथ नूडल बनाने का सारा सामान लेके आया है। कुछ करना पड़ेगा। ओके ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। को छोले भटूरे की रेसिपी पता नहीं है? हक्का नूडल्स की रेसिपी? यस। कैटरीना तो बिल्कुल तूफान है, कैसे फटाफट काम करिए। क्यों क्या हुआ? नहीं आता तुम्हारी मॉम को बनाना नूडल्स? मम्मा सबसे पहले नूडल्स को उबलते गर्म पानी में डालो। बोलो तुम। देखो बात करने का वक्त नहीं है, अब एक काम करो प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काटो। चीनी भाई भाई हाका नूडल्स कैसे बनाते हैं? बोलो बोलो बोलो। टिंपो चिंपिंपो टिंपो टिंपो। क्यों अभी उसमें गाजर काट के डालो। चुँ 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 चुँ। उसमें कैप्सिकम भी डालना। ओके काट के अच्छे से कढ़ाई में दो चम्मच तेल डालो। चकलाका बूम बूम चकलाका बूम बूम। क्यों अब छोले का मसाला डालो, थोड़ी सी सॉस डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर लो। पता नहीं पापा वो नूडल्स ही अंदर खाना टेस्ट कर रहे हैं। बाहर कब आएंगे? खाना खाने के पता नहीं वो बाहर भी आ पाएंगे अंदर ही बेहोश ना हो जाए। इतना बुरा बना है। हाँ, नाम ईश्वर कैटरीना जीतेगी। डिंगारू अरे मैंने अंदर छुप छुप के देखा, नूडल सिंह तुम्हारी डिश खा के पागल हो गया पागल। पहले कहती थी बेचारा। अरे वो वाला पागल नहीं, खुशी खुशी वाला पागल। उसे लगता है तुम्हारा बनाया हुआ हाका नूडल एकदम डिफरेंट है। वो तुम्हें विनर डिक्लेयर करेगा। बेचारा टैंग और उसकी मॉम। मजा आ गया। अगलम बगलम किचन नूडल सिंह का हिप्नोटाइजिंग। नूडल सिंह जी बताइए ना विनर कौन है? आप चुप क्यों हैं? प्लीज बताइए ना। नूडल रिपीट बोलो। कोई नहीं जीता कोई नहीं जीता कोई नहीं जीता।
दोनों बराबर, दोनों बराबर, दोनों बराबर, दोनों बराबर, दोनों बराबर। एकदम बगदम तिकदम हिप्नोटाइजर फिनिशिंग। मुगल सिंह जी, हेलो, मैं दीपक, प्रिया का पति। आपने रिजल्ट बहुत ही अच्छा सुनाया। ओए, सुना दिया? बहुत ही फेयर था, दोनों ही जीते। थैंक यू सो मच, अभी आप जा सकते हैं। दोनों ही जीत गए? एक मिनट, प्रिया जी, आपसे एक बात कहनी है। आपका बनाया हुआ खाना मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे होटल में कल से कुक की नौकरी करेंगी? ऑफ कोर्स, यस।